सब्सक्राइब कीजिए टेक मिक्स और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपके मोबाइल में है चाइनीज ऐप तो क्या वो चलेंगी या बंद हो जाएंगी? क्या आपको वो ऐप अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? Xiaomi के मोबाइल फोन का क्या होगा जिसमें कि वो सारे ऐप प्री इंस्टॉल्ड आती हैं? और भी कई सारी मोबाइल कंपनियां हैं जिनके की मोबाइल में काफ़ी सारी चाइनीज ऐप प्री इंस्टॉल आती हैं। तो अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मैं हूं विशाल और टेकमिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है इंडिया में, तो अब आप वो ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर वो ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल है तो क्या वो ऐप चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो देखिए, जहाँ तक वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो इसके लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन ये है कि उसने गूगल और एप्पल को ऑलरेडी बोल दिया है कि इन 59 ऐप्स को वो अपने प्ले स्टोर से हटा दे या ऐप स्टोर से हटा दे। तो यहाँ पे ये होगा कि आप प्ले स्टोर और ऐप्स और एप्पल के जो स्टोर हैं उनसे आप इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मतलब इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये निर्देश दिया है कि इन सभी 59 जो ऐप्स हैं उनका इंटरनेट डेटा ट्रैफिक को वो ब्लॉक कर दें, सो दैट कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो ऐप जो अगर आपके मोबाइल में पड़ी भी हैं और उनसे इंटरनेट की ज़रूरत है तो आप उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐप ऐसी हैं जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे CRETC, वो तब तक चलती रहेंगी। दूसरा सवाल हमारे सामने ये उठता है कि अगर वो ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है तो क्या हमें उसे रखना चाहिए या अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? तो मेरा मानना है कि आपको वो ऐप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो इंटरनेट डेटा ट्रैफिक ब्लॉक है, तो अगर वो इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी ऐप है तो वो काम नहीं करेगी। दूसरा, उस पर अब कोई भी डेवलपर का अपडेट नहीं मिलने वाला है। तो इससे होगा क्या कि अब उस ऐप के थ्रू आपके मोबाइल को हैक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी अपडेट्स उस पर नहीं आएंगी। तो बेहतर ये होगा कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करें। तीसरा सवाल है कि अगर मैं एक Xiaomi का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो हैं चाइनीज़ ऐप आते हैं। इवन Xiaomi ही नहीं, बाकी वीवो ओप्पो जैसी जो कंपनियाँ हैं वो भी कुछ कुछ ऐप्स जो हैं वो अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल देती हैं। MI के फ़ोन में आने वाले MI कम्युनिटी और MI वीडियो कॉल को भी ब्लॉक कर दिया है, तो आप सिर्फ इन दो ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे जो ऐप उसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी चाइनीज़ फ़ोन को लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन सारे ऐप्स के अल्टरनेटिव्स ऐप क्या हो सकते हैं। अगर आप TikTok के यूज़र हैं और अब आप TikTok पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो हम कौन सा ऐसा ऐप इस्तेमाल करें जो TikTok की जगह ले सकता है, जो अगर इंडियन हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेकमिक्स पटना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स।